हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता चल गया है कि केंद्रीय विद्यालय ने नोटिस जारी कर दी है और फॉर्म 1 अप्रैल से भरे जाएंगे। इस बार फॉर्म क्लास 1 के साथ साथ बालवाटिका 2, बालवाटिका 3 और बालवाटिका 1 के लिए भी भरे जा रहे हैं, और साथ ही साथ क्लास 2 एंड अबव के लिए भी भरे जा रहे हैं। और जहाँ बालवाटिका 1, 2 एंड 3 है वहाँ भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर कोई सीट वहाँ खाली है तो ये क्लास 1 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये क्लास 1 एंड अबव के लिए एडमिशन नोटिस आई है। इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 विल कमेंस एट 10 AM ऑन 1/4/2024 मंडे एंड विल क्लोज एट 5 PM ऑन 15/4/2024 मंडे। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्लास 1 के फॉर्म 1 अप्रैल 2024 को 10 बजे से भरना शुरू होंगे और 15 अप्रैल 2024 को 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। द एडमिशन डिटेल आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो एडमिशन का बाकी डिटेल इनकी वेबसाइट पर है, आप यहां से जाकर देख सकते हैं, इसे क्लिक करके भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन क्लास 1 विल बी 6 ईयर, रिकॉग्निंग ऑफ एज फॉर ऑल क्लासेस शैल बी एज ऑन 31/3/2024। तो क्लास 1 के लिए मिनिमम एज जो है वह 6 ईयर है और यह एज 31/3/2024 को काउंट की जाएगी। रिजर्वेशन ऑफ सीट विल बी एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन 2024-25 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एडमिशन में जो रिजर्वेशन लागू होगा वह 24-25 की एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार लागू होगा और वह गाइडलाइन भी केवीएस संगठन की वेबसाइट पर है। तीन नंबर में है, रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एडमिशन इन क्लास 2 एंड अबव विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1/4/2024 मंडे एट 8 AM टू 10/4/2024 यानी 10/4/2024 को वेंसडे तक अप टू 4 PM। तो जो क्लास 2 एंड अबव के लिए अगर सीट खाली है तो उसका जो एडमिशन स्टार्ट होगा वह भी 1/4 से ही स्टार्ट होगा, यानी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, लेकिन वह सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा। बाकी 10 बजे से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन एडमिशन जो हो रहा है क्लास 2 एंड अबव के लिए वह सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा और 10 तारीख तक ही चलेगा, यानी वेंसडे तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे, उसके बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और उसका समय भी 4 बजे तक ही है। इफ़ वैकेंसी एग्जिस्ट इन ऑफलाइन मोड ओनली, अगर वैकेंसी खाली है और यह ऑफलाइन मोड में ही होगा। द ड्यूली फिल्ड अप फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इन द रेस्पेक्टिव KV। पूरी तरीके से भरा हुआ फॉर्म आपको कंसर्न KV यानी संबंधित KV के प्रिंसिपल के पास ले जाकर जमा करना है। तो इसमें प्रिंसिपल लिखा रहता है, लेकिन वहाँ आपको एक कोई टीचर रहेंगे, कोई एक विंडो बनाकर रखा रहता है जहाँ आपको फॉर्म जमा करना रहता है। चार नंबर में है, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 2 एंड अबव आर अवेलेबल इन द विद्यालय वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एज पर शेड्यूल फॉर एडमिशन 2024-25। इस संबंध में जितनी भी जानकारी है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से ले सकते हैं, और ये एडमिशन शेड्यूल के अनुसार होंगे, यानी जो एडमिशन शेड्यूल आया है उसके अनुसार होंगे। अभी मैं आपको एडमिशन शेड्यूल भी दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एडमिशन इन क्लास 2 एंड अबव विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ वैकेंसी एग्जिस्ट इन द कंसर्न KV। क्लास 2 एंड अबव के एडमिशन तभी होंगे जब उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली होगी। तो छः नंबर में है, एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग बाई द KV। अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने फॉर्म में सही जानकारी भरें और सही प्रमाण पत्र लगाएं ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। आप प्रिंसिपल या एडमिशन इंचार्ज से तभी मिलें जब आपको मिलने के लिए बुलाया जाए। अब मैं आपको क्लास 2 एंड अबव का शेड्यूल दिखा देता हूँ। ये क्लास 2 एंड अबव का शेड्यूल है, इसमें आप देख सकते हैं इसका विज्ञापन लेटेस्ट 31 मार्च तक दे देना है, और उसके बाद क्लास 1 के लिए पंजीकरण जो ऑनलाइन माध्यम से होगा वह 1 अप्रैल को 10 बजे से शुरू होगा। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल शाम के 5 बजे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वह 19 अप्रैल को आ जाएगी, फिर जो सेकेंड लिस्ट आएगी वह 29 अप्रैल को आएगी, और
इसके बाद जो थर्ड लिस्ट है वह 8 मई को आएगी। इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कि किस सीक्वेंस में एडमिशन होंगे, जैसे सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वाले एडमिशन होंगे, फिर सेवा श्रेणी वरीयता क्रम वाले एडमिशन होंगे यानी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 और 2 के, उसके बाद आरक्षित कोटे की सीटें भरी जाएंगी और उसके बाद अगर आरक्षित कोटे की सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए सेकंड नोटिफिकेशन आता है, जैसा आप लोग जानते हैं ये पहले से नियम है। और अगर ऐसी स्थिति किसी केंद्रीय विद्यालय में बनी उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म आएंगे और वो फॉर्म 8 मई से 15 मई तक भरे जाएंगे और ऐसे फॉर्म की लिस्ट और एडमिशन जो होगा वह 22 मई से 27 मई के बीच होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कक्षा 2 के लिए बताया जा रहा है, तो कक्षा 2 के लिए भी 1 अप्रैल से ही फॉर्म भरे जाएंगे और 10 अप्रैल तक भरे जाएंगे, तो यहाँ बताया गया है। इसी तरीके से कक्षा 2 और आगे की कक्षा के लिए जो सूची जारी होगी, जो लिस्ट जारी होगी वह 15/4 को जारी होगी और उनका एडमिशन का जो समय दिया गया है वह 16 अप्रैल से 29 अप्रैल दिया गया है और सभी कक्षाओं के लिए जो एडमिशन की लास्ट डेट है वह 29 जून है। उसके बाद क्लास 11th के लिए बताया गया है, तो क्लास 11th के लिए क्लास 10th का रिजल्ट जारी होने के 10 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद 20 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा यानी लिस्ट जारी हो जाएगी और रिजल्ट के 20 दिन के बाद सूची जारी हो जाएगी और बच्चे अपना एडमिशन ले पाएंगे। फिर इसी तरीके से नन केवी स्टूडेंट के लिए है कि अगर केवी स्टूडेंट के लेने के बाद भी सीट खाली रह जाती है तब नन केवी स्टूडेंट को लिया जाएगा। इसी तरीके से कक्षा 11 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाई CBSE, तो CBSE के क्लास 10 के रिजल्ट के 30 दिन के अंदर क्लास 11th की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए। फिर इसमें बताया गया है कि बच्चों की जो भी सूची बनेगी, जो भी जानकारी रहेगी उसे सूचना पट और वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से देना है। साथ ही साथ बताया गया है कि अगर प्रारंभिक तिथि या अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार होगा यानी एक दिन आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस बार क्लास 1 के, बाल वाटिका 1 के, बाल वाटिका 3 के और बीच की क्लासें जहां कुछ सीट खाली रह जाती है वो सभी एडमिशन 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहे हैं यानी सभी फॉर्म 1 अप्रैल से ही भरे जा रहे हैं। इसलिए आप सतर्क रहें, आप पहले से सावधान रहें, फॉर्म को अच्छी तरह से भरें, सही जगह जमा करें, अपना रिसीविंग लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्कूल में भी भीड़ हो जाएगी क्योंकि सभी फॉर्म एक साथ भरे जा रहे हैं और सभी एडमिशन भी थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।